हमारे साथ बापसा के छात्र नेता हैं, जेएनयू से हैं। सर, कैसे देखते हो जैसे चंद्रशेखर की गिरफ्तारी को आज लेकर यहाँ पर आए हैं? कहा जा रहा है उनके वकील की तरफ से कि गलत आरोप लगाकर कोई एविडेंस भी नहीं है और फिर भी उन्हें जेल के अंदर रखा जा रहा है। देखिए, चंद्रशेखर की गिरफ्तारी को मैं दो तरीके से देखता हूँ। पहली बात, चंद्रशेखर की तीसरी बार गिरफ्तारी हो रही है जन आंदोलन को लेकर। तो ये जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी जिस परिप्रेक्ष्य में किया गया कि चंद्रशेखर NRC और CAA के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट लोगों के साथ कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को दो तरीके से देखने की इसलिए ज़रूरत है कि पहली ज़रूरत ये है कि चंद्रशेखर जब भी आंदोलन करने आते हैं, उनको पता है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर केवल एक व्यक्ति नहीं है। चंद्रशेखर उस समाज से आते हैं जो समाज सदियों से पीड़ित है और सदियों से प्रोटेस्ट कर रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, और उसकी मूवमेंट इस पूरे देश के अंदर रही हुई है। चंद्रशेखर की एक जो आइडेंटिटी है, एक आम्बेडकराइट स्ट्रांग आइडेंटिटी के अराउंड है, जिसके तहत लोग उनकी बात सुनते हैं, उनसे मोबिलाइज भी होते हैं। और BJP के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि चंद्रशेखर को अगर आप बहुत लंबे समय तक आंदोलन में रहने देंगे तो चंद्रशेखर जो है, जो रियल फेस जिसको हम कहते हैं मूवमेंट का, वो उभर के आ जाएगी, जो कि है। दूसरी तरफ BJP उन लोगों को एक स्पेस दे रही है जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये जन आंदोलन का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। ये इनको यूट्यूब पे व्यूज़ मिल जाएंगे, ये हो सकता है कि अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को बहला देंगे, थोड़ा क्या कॉमेडी करके मोदी के खिलाफ कुछ बोल के, लेकिन इनको थोड़ा उनको एक स्पेस दिया जाता है। आपके सर लेफ्ट की तरफ है क्या? लेफ्ट की तरफ है, इवन मैं सीधा कहूँगा कन्हैया की तरफ है। मुझे रवीश कुमार का एक इंटरव्यू बताइए जहाँ पर वो चंद्रशेखर को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहा है। चंद्रशेखर कन्हैया से ज़्यादा दिन जेल में रहे, वो एक साल तक करीबन लास्ट टाइम जेल में रहे, जन आंदोलन ज़्यादा 70 महीने रहे, और उसके बाद में भी उनको जेल में डाला गया। चंद्रशेखर एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन आज भी जो सो कॉल्ड anti-BJP मीडिया है, जो प्रोग्रेसिव मीडिया है, आज तक चंद्रशेखर का एक भी मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस तरह के मीडिया में नहीं देखा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये देश हमेशा से दो तरह के बाइनरी में डिवाइड है। एक है अपर कास्ट जो खुद को राइट विंग बोलता है, दूसरा अपर कास्ट है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग बोलता है, लेकिन दोनों भी हमेशा, और ये झगड़ा जो है, ये झगड़ा इन दोनों के सत्ताओं के बीच के लिए है। लेकिन जो लॉज इस देश के अंदर बन रहे हैं, उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है इस देश के गरीबों के ऊपर, इस देश के दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स और बाकी जो इस देश का वर्किंग क्लास है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जूझता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि अगर दर्द उनका है, अगर दर्द इस देश के मुसलमानों का है, दलितों का है, आदिवासी गरीबों का है, तो नेता भी उनका हो। सर एक बात बार बार उठ के आ रही है कि चंद्रशेखर जिस मिशन को लेके चले थे, कुछ लोगों का कहना, बुद्धिजीवियों का, कि कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गए हैं और वो ऐसे एलिमेंट्स के बीच में फंस गए हैं जाकर, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिखा रहा है लेफ्ट का, यहाँ भी ऐसी कुछ पेशकश अभी दिखाई दी उनके आंदोलन में, वही नारे लेफ्ट वाले, कुछ लोगों को नाराजगी जागर हुई, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये दिल्ली का प्रॉब्लम है। दिल्ली का प्रॉब्लम है कि दिल्ली देश के सारे प्रोग्रेसिव क्रांतिकारी आंदोलन को अप्रोप्रिएट करता है, वो खा जाता है, क्योंकि दिल्ली का ऐसा सर्कल है जहाँ पे हर तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं चंद्रशेखर की इसको गलती कहूँगा, नहीं कहूँगा, मैं इस चंद्रशेखर की इसको कहूँगा कि इट्स बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। चंद्रशेखर इस पूरे प्रोसेस में इवॉल्व हो रहे हैं। जहाँ तक कि मैंने उनको जितना सुना है, वो बहुत ही वाजिब और बहुत ही तर्कशील बात करते हैं जब आंदोलन की बात आती है, और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जो आपने कहा कि कुछ वो झलकियाँ दिख रही है उस आंदोलन की, वो झलकियाँ मेरे ख्याल से चंद्रशेखर के साथ रहने वाले लोग और चंद्रशेखर खुद उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि चंद्रशेखर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ दिल्ली सिविल सोसाइटी। चंद्रशेखर इज द प्रोडक्ट ऑफ द पीपल हु कम फ्रॉम द मार्जिन, जो ज़मीन से आने वाले लोग हैं, उनका चंद्रशेखर प्रोडक्ट है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर, ये जो दिल्ली सर्कल या जो दिल्ली का जो एक पूरा झगमग, एक जो हमेशा से ये रहता है, उससे बाहर जल्द वो निकल चुके हैं, लेकिन उसको भी एक तरफ चंद्रशेखर बात करते हैं मिशन की, बाबा साहब के माननीय काशीराम, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके साथ के लोग हैं, जिन्होंने पहले से उनके आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और इस आंदोलन को यहाँ तक लाए, वो लोग छिटकते जा रहे हैं, वो दूर होते जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो रही है? कहीं बीच में कहाँ ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं? देखिए, मैं तो आज उनकी रिहाई के लिए इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए, लोग नहीं हैं फिर भी? मैं भीम आर्मी का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनका इंटरनल क्या स्ट्रक्चर है उससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना एक बात कहूँगा कि देखिए, कोई भी मूवमेंट में लोग जुड़ते हैं। मैं एक संगठन का मेम्बर हूँ, मैं एक संगठन का लीडर रह
चुका हूँ जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपने अनुभव से कहूँगा कि हर मूवमेंट में, हर संगठन में लोग जुड़ते हैं और छिटकते भी हैं। लोग लीडरशिप से नाराज भी होते हैं, लोग लीडरशिप से प्रेरित भी होते हैं। ये मूवमेंट का हमेशा से एक करवा रहा हुआ है। सवाल है कि जब ये हम दलित बहुजन के मूवमेंट का होता है, जब उनके आंदोलन का होता है तो चर्चा का मुद्दा बनता है, किसी और आंदोलन के साथ होता है तो चर्चा का मुद्दा नहीं बनता है। इस देश के अंदर कांग्रेस से लेके इस देश के लेफ्ट पार्टियां जो है वो इलेक्ट्रल प्रेजेंस में ना के बराबर है अभी, लेकिन उनकी दुर्गति के बारे में, वो दुर्गति क्यों हुई इसके बारे में कोई पॉपुलर चर्चा होती नहीं है। लेकिन जब दलित बहुजन या कोई इस तरह का कोई ग्रुप होता है या पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संगठन होता है तो वो ज़्यादा बड़ा चर्चा का माध्यम बनता है। मेरा ये कहना है कि वो एक अलग बात रही। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के इस तारीख में मैं पूरे आंदोलन में हम शरीक हो रहे थे, हम पूरे आंदोलन को देख रहे थे, खासकर दिल्ली में जो आंदोलन हो रहे हैं, चंद्रशेखर ने जो कदम उठाए और चंद्रशेखर ने जिस तरीके से निडर होके अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने लोगों की परवाह ना करते हुए जो उनकी इर्द गिर्द है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उनको बहुत ही साइलेंटली इस पूरे मूवमेंट से दरकिनार किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूवमेंट में चंद्रशेखर का नाम बार बार आएगा और उनकी लीडरशिप को एक बड़ी लीडरशिप के तौर पर माना जाएगा। जैसे आपने JNU में लेफ्ट का एक बड़ा गढ़ है, लेकिन आपने बापसा को खड़ा किया, पेरियार के, अम्बेडकर की, सबकी विचारधाराओं को लेकर एक साथ लोगों को जोड़ा और वो खड़ा भी हुआ, लोगों ने जाना और वो खड़ा भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जैसे चंद्रशेखर ऊपर उभर के आते हैं और वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन अब हम भी देखते हैं उनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका मिशन से कोई लेना देना नहीं है, जो अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते हैं, वो लोग भी आज चंद्रशेखर के साथ हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये, मैं और दोबारा कहूँगा कि ये उनके संगठन के उनके संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, संगठन के सदस्य हैं, उनके कार्यकारिणी में है, लीडरशिप में है, ये सोचने की बात उनके लिए है। मैं उनके संगठन का मेंबर नहीं हूँ, ना ही मुझे उनके संगठन के भीतर क्या चलता है इसके बारे में कोई जानकारी। सर, आखिरी सवाल मेरा, आप लोग ये बात उनको समझनी चाहिए, ये सवाल आपको उनको पूछने चाहिए, चंद्रशेखर को खास करके पूछने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको उसका जवाब दे पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, आप लोगों को भी अब बुद्धिजीवियों में गिना जाता है और खासकर JNU से जो स्टूडेंट आते हैं, क्या लगता है ये लड़ाई डंडों से या कलम से लड़ी जाएगी? सर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, उसके बाद में बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक ढांचा बनाया, लिखा। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई एजुकेशन के लिए, इस देश के बहुजनों के लिए। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में परिवर्तन भी किया और इन सब बात को मानते हैं, उनको फॉलो करते, इसलिए अम्बेडकर राइट है। बाबा साहब ने साथ ही साथ समता सैनिक दल के भी निर्मित की थी और बाबा साहब ने ये कहा था कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीकनेस एंड द नॉन वायलेंस। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मूवमेंट, खास करके इस देश का दबाव कुचला तबका, जिस समाज से हम आते हैं, जब हमारे घर जलाए जाते हैं, तो मेरा घर ना जले इसके लिए अगर सरकार सक्षम नहीं है वो रोकने के लिए, और सरकार भी उन्हीं गुंडों के साथ खड़ी है जो हमारे घर जलाने के लिए आ रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और संविधान मुझे इसकी अनुमति देता है कि मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके अपना घर जलता हुआ घर बचाऊँ, और फिर वो कैसे बचाऊँ वो मेरा तरीका या मेरी सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या तरीका सही है क्या तरीका गलत है। इस देश का दबाव कुचला समाज जो तरीका अपनाएगा वो तरीका मैं समझता हूँ कि सही है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान के लिए। एक आखिरी और सवाल सर, भीम आर्मी का एक स्टैंड बीच बीच में आ जाता है कि हम पार्टी बनाएंगे, क्या लगता है पार्टी बनाने से समाज का फायदा होगा या नुकसान होगा, या जो अभी पार्टियां समाज में हैं उन पर कितना असर पड़ेगा इन चीज़ों का, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादातर लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना जरूरी है, राजनीतिक आंदोलन जरूरी है, लेकिन इस देश में दलित बहुजनों की मुक्ति के लिए अगर सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई करना है तो सामाजिक आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को बाबा साहब और बाद में कांशीराम साहब भी इसको मानते थे। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में आज राजनीति की बात ज़्यादा हो रही है, सामाजिक आंदोलन की बात कम हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब भी कहते हैं कि द पॉलिटिकल टेरेनी
इज द सोशल टेरेनी इज मच मोर यू नो हार्श दैन द पॉलिटिकल टेरेनी. यानी राजनीतिक जो हमारी दुर्दशा है वो सामाजिक दुर्दशा से भी, सामाजिक दुर्दशा हमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा गंभीर है. इसलिए मैं समझता हूँ कि इस देश के दलित बहुजनों ने बात समझनी चाहिए कि अगर RSS जिस संगठन को अगर हमको डिफीट करना है फ्यूचर में, तो RSS से भी बड़ा जो कि हम बना सकते हैं एक सामाजिक संगठन जो हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी की बात को लेकर हमको एक राजनीतिक और खास करके एक सांस्कृतिक दिशा दे, ये इस तरह का संगठन खड़ा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इस बात को मैं मानता हूँ. तो क्या उम्मीद है कोई ऐसा संगठन खड़ा होता? मुझे बहुत उम्मीद है. मुझे बहुजन आंदोलन से हमेशा से उम्मीद रही है. बहुजन आंदोलन का अगर आप इतिहास देखोगे, उभरा है, ख़त्म हुआ है, निक और बैठा है, उभरा है. इस देश के अंदर अगर कोई आंदोलन आप बुद्धा से लेके कांशीराम साहब तक अगर देखेंगे, और अभी भी उस आंदोलन को अगर आप चंद्रशेखर तक भी आंदोलन को देखेंगे या पूरे देश के अंदर आप देखोगे, तो एक आंदोलन है जो हमेशा ब्राह्मणवादी शक्ति के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो है बहुजन आंदोलन. उसको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस से लेके बीजेपी ने और इस देश के वामपंथी पार्टी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो पूरा ख़त्म कभी नहीं हुआ है. मैं समझता हूँ कि आने वाला आंदोलन इस देश में बहुजन आंदोलन ही होगा, क्योंकि इस देश में जो समस्या लोगों की है, जो प्रॉब्लम्स लोगों की, वो बहुजनों की प्रॉब्लम्स है. इसलिए आंदोलन भी उनका ही खड़ा होगा.